कि देखते हैं कि ये ब्राह्मण कैसे पाठ कर रहे हैं। तो जैसे ही राजा साहब आए तो ब्राह्मण देख करके डर गए। तो एक ब्राह्मण राजा साहब को देख के कहा, राजा पूछी है तो हम का बताई ब्रामा हो रामा। तो दूसरा कह रहा है, जो गति तोरी सो गति मोरी रामा हो रामा। राजा साहब आ रहे हैं, वो पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। तो वो कह रहे चुप, जो गति तोरी सो गति मोरी, जैसा तुम हो वैसा मैं हूँ, हम क्या करें। तब तक तीसरा कह रहा है, ई पंठवा कब तक चली रामा हो रामा। चौथा कह रहा है, आ जब तक चली तब तक चली, ना चली तो श्री सीताराम होइबे करी रामा हो रामा। आ जब तक चलेगा चलेगा, नहीं मानेंगे दक्षिणा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो यहाँ से राजा साहब व्यवस्था करके भेजवे करेंगे हम लोगों का। कहते हैं, अरे ऐसा तुम लोग कब तक करोगे, ये कैसे ऐसा कब तक चलेगा। तो कहा, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो श्री सीताराम होइबे करेगा। तो राजा साहब आए, हाय पंडित, ये कौन सा पाठ करते हो। राजा पूछे हैं तो कहा बताइबे रामा हो रामा, जो गति तोरी तू सो गति मोरी रामा हो रामा। तो राजा साहब की जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी विदुषी थी वो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, रुकिए रुकिए, ये ब्राह्मण ये पंडित बहुत बड़े विद्वान हैं, आप नहीं समझेंगे, बहुत बड़े विद्वान हैं। ये ब्राह्मण बहुत विद्वान है, आपको नहीं पता। ये उस समय की बात कह रहे हैं कि जिस समय पे राघवेंद्र सरकार जी वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं और आर्य सुमंत जी लेकर के गए हैं वन में छोड़ करके आ रहे हैं। तो ये उस समय की बात कह रहे हैं ब्राह्मण कि राजा पूछिए तो हम का बताइबे रामा हो रामा। आर्य सुमंत जी से महाराज दशरथ जी पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। आज वही बात ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि राजा पूछिए तो हम का बताइबे रामा हो रामा। तो हम कह देंगे, महाराज जो गति तोरी सो गति मोरी रामा हो रामा। हम क्या बताएं, जो स्थिति आपकी है वही स्थिति मेरी भी है। तब राजा साहब कहे, हाँ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। तब कहा, और ये कैसे पाठ कर रहे हैं, ये पठवा कब तक चली रामा हो रामा। तो रानी साहिबा ने कहा कि प्रभु देखिए, सीधे अयोध्या कांड से लेकर के लंका कांड तक पहुंच गए और ये उस समय की बात कर रहे हैं कि जब राम जी और रावण में युद्ध हो रहा था। तो ये वही बात कह रहे हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा, ये पठवा कब तक चली रामा हो रामा, ये युद्ध कब तक चलेगा। जब तक चलेगा चलेगा, रावण नहीं मानेगा तो उसको मारा जाएगा। ये उस समय की बात कह रहे हैं महाराज। अब राजा साहब ने कहा, हाँ हाँ पंडित तो बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान। अब दक्षिणा वगैरह दिए, पंडितों की विदाई हुई। अब पंडित भागे, लंक लगा कर भागो जल्दी, फिर यदि राजा साहब के चपेट में आ गए तो कल्याण हो जाएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की, इधर आर्य सुमंत जी जा करके खड़े हो गए। महाराज ने पूछा, आर्य सुमंत आप आ गए, मेरे राम नहीं आए। मेरी बैदेही आई लक्ष्मण, जैसे ही महाराज ने नाम लिया सुमंत जी फफक के रो पड़े। महाराज ने पूछा, बोलो सुमंत क्या हुआ।
मेरे राम नहीं आए, मेरी जानकी भी नहीं आई। सुमंत जी ने कहा, नहीं महाराज, प्रभु नहीं आए, प्रभु नहीं आए। जैसे ही महाराज ने सुना कि भगवान मेरे राम नहीं आए, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम कह करके अपने प्राण को त्याग दिए महाराज दशरथ जी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयउ सुर धाम। राम 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 राम, छह बार राम राम कह करके महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। देखिए जीते जी भगवान का दर्शन किया था महाराज दशरथ जी ने, लेकिन मरते समय भगवान का दर्शन नहीं किया। चारों तरफ से महारानियां विलाप करने लगी। गुरु जी आए, सबको पता चला कि महाराज अपने शरीर को त्याग दिए। देखिए कहा जाता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। ये जो भी मनुष्य तन पाए हुए हैं ना, एक लीला मात्र के लिए आए हुए हैं। ये इस संसार में जो भी मनुष्य तन पा करके यहाँ पे आए हुए हैं, ये मृत्यु लोक है, एक लीला मात्र के लिए आए हैं। जब तक समय दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक तुम इनके पत्नी बनोगे, इनके पति बनोगे, इनके भाई बनोगे, इनके बंधु बनोगे, और लीला संपन्न होगा फिर चले जाओगे। और भगवान के पास जो जैसा कर्म किया होगा, जैसा धर्म किया होगा, भगवान ने वैसा ही वस्त्र पहना करके आपको दोबारा भेजेंगे लीला करने के लिए। इसलिए इस संसार में ये सब माया है, किसी से कोई मोह नहीं। एक आता है तो एक चला जाता है, यही संसार की रीति है। आज खिले कल मुरझाएंगे, परसों मिलेंगे दो। आज खिले कल मुरझाएंगे, परसों दशा यह फूल की, फिर क्यों खिलता फूल। आज खिले कल मुरझाएंगे, परसों मिलेंगे धूल। देख दशा यह फूल की, फिर क्यों खिलता फूल। तो ये देखिए, ये जो फूल है आज खिलता है, कल मुरझा जाता है, परसों धूल ही धूल मिलता है, फिर भी वो फूल खिलना बंद नहीं करता, फिर भी वो फूल खिलता है। और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, कहते हैं कि ना जाने हम कब मिलेंगे, ये तो संसार की रीति है। एक वृक्ष और पत्ता आपस में बात कर रहे थे, वृक्ष से पत्ता बहुत दूर जाकर के गिर गया और पूछता है कि आज तो हम बहुत दूर आ गए, क्या पता अब के बिछड़े कब मिलेंगे आपसे। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मम बा,
से सुनो ब्रिज मम बा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरे हैं जा। हम तो आपसे बहुत दूर चले गए, क्या पता अब के बिछड़े कब मिलेंगे। तो वो वृक्ष कहता है, वृक्ष बोला बात से सुनो बात मम बा, वृक्ष बोला बात से सुनो बात मम बात, यह तो जगत की रीत है एक आवत एक जा। यह तो जगत की रीत है एक आवत एक जात, यह तो जगत की रीत है एक आवत एक जात। इसलिए इस संसार में एक आता है तो एक जाता है, कोई किसी का नहीं होता है। आज रानियां बिलाप करने लगी कि देखो आज तीनों माताओं का मांग सुना हो गया, विधवा हो गई। एक स्त्री के लिए सब कुछ उसका पति होता है, उसके पति से बढ़ करके कोई नहीं होता है। और जिस स्त्री का पति अगर उस पत्नी का सम्मान नहीं करता है ना, उसके मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, उस संसार में उस पत्नी का कोई अपना नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ माता कैकेयी ने कितना कठोरता का परिचय दिया, अपने कलेजे को कितना कठोर बना लिया, दुनिया का ताना सुनने के लिए तैयार हो गई। परंतु आज खुद भगवान के कहने पे उनको वन में भेज देती हैं। दुनिया वाले कितने बुरा भला कहते हैं। हंसा